हाँ तो ये जो वेरिएंट है ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट, ठीक है। तो जो अभी नया फेसलिफ्ट वेरिएंट आया था वही है ये। तो आज की वीडियो में थोड़ा बहुत इसका रिव्यू शेयर करता हूँ आपसे। तो एक काम करो, उससे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, उसके बाद आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले इसकी हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है हेलोजन। ये कोई भी मतलब इसमें प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है, नॉर्मल हेलोजन जो बल्ब आते हैं वो ये पीले वाले, ठीक है। तो ये बेसिक से आपको कुछ हेडलाइट मिलती है। नीचे अगर आएँ तो ये प्रोजेक्टर्स मिलते हैं आपको, ये भी पीले ही मिलेंगे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साइड इंडिकेटर मिल जाएगा, आई थिंक ये DRL से, ठीक है। तो और ये जो बम्पर का जो लुक है वो आपको देखो तीन कलर में मिलेगा, पियानो ब्लैक, वाइट, और मतलब दो कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पे आपको, पियानो ब्लैक और वाइट का, ठीक है। ठीक है, देखने में भाई इसका बम्पर वगैरह बहुत सही लगता है। देखो नीचे स्कर्टिंग पूरे में नीचे ब्लैक कलर की स्कर्टिंग है, बड़ी सी एक ग्रिल है इसकी ब्लैक कलर की, यहाँ पे हुंडई का लोगो, ठीक है। और ये जो क्रीज लाइन्स है ना, ये देखने में भाई इसकी बहुत प्यारी लगती है। तो सामने से कुछ इसका ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे, कुछ अलॉय नहीं है, ये प्लास्टिक वो कवर है, प्लास्टिक कवर, ठीक है। और इसमें अगर आपको टायर प्रोफाइल दिखाऊँ तो मैं 195/55 R16 16 इंच के, ये 16 इंच के हैं ये, ठीक है। व्हील कवर लगा हुआ है इस पर, ये अलॉय नहीं है, ठीक है। तो और थोड़ा आपको साइड से पूरा लुक दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नीचे भी आप देखोगे यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर की स्कर्टिंग दिख जाएगी, यहाँ पे थोड़ा क्रोम लगा हुआ है, ठीक है। हैंडल इसके क्रोम ही आते हैं कंपनी की तरफ से। साइड ORVM पे आपको इंडिकेटर मिलता है, फेंडर पे नहीं है, तो ये बढ़िया है। और ये क्रोम भी आपको पूरा कंपनी से दिखता है। और इसके क्रीज लाइंस देखो आप, ये यहाँ से देखो ये कितना प्यारा लगता है ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर में लिखाऊँ तो यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, शार्क फिन एंटीना, और पूरी साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब थोड़ा बैक में चलते हैं, तो ये इसके टेल लैंप्स हैं वो पूरे आपको LED मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी थोड़ा ब्रेक मार के दिखा दूंगा। अगर पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी पूरा ब्लैक का पूरा यूज़ किया गया है, पियानो ब्लैक का, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक। इसके जो मिरर है मतलब रियर मिरर है, इसमें आपको डिफॉगर प्लस, इसमें डिफॉगर और वॉशर वगैरह नहीं है इसमें, बस डिफॉगर आपको मिल जाएगा, तो फॉग वगैरह हटाने के लिए बढ़िया है। और पीछे से पूरा अगर दिखाऊँ मैं तो ऐसा कुछ लुक है, ठीक है। अब डिग्गी खोल लेते हैं इसकी, तो डिग्गी में आप देखोगे कुछ डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है, बढ़िया, ठीक है। और इसकी स्टेप नहीं भाई यहीं पे होगी, देखो ये रखी है, ठीक है। ये भी वही बेसिक अलॉय तो होगा नहीं, जबकि चारों अलॉय नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी डिग्गी मिल जाती है आपको, यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, यहाँ पे पार्शियल ट्रे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा डिग्गी बंद करते हैं। हाँ तो गाइज़, अगर अंदर की बात करें तो कुछ ऐसा आपको ब्लैक में पूरा इंटीरियर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको इसका डोर पैड दिखाऊँ ना, तो डोर पैड आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। इसमें ये थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक है और ये पूरा आपको ब्लैक ही मिलेगा, पूरा ब्लैक ही में इसका इंटीरियर रखा गया है, ठीक है। यहीं से आपके ORVM एडजस्ट हो जाएंगे। एक बार मैं इसका स्टार्ट कर लेता हूँ, उसमें भाई पुश स्टार्ट बटन नहीं है, बेसिक सी ये चाबी आती है। देखो गाड़ी स्टार्ट हो रखी है, ये बेसिक सी आपको मतलब ये यहाँ पे देखो ORVM यहीं से एडजस्ट हो जाते हैं, लेफ्ट राइट का, ठीक है। लॉक अनलॉक यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाली जो है वन टच है और सब नॉर्मल है, ठीक है। बस इतना ही कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेबरल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ देखोगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे से वो मिलेंगे इसके पैडल्स। उसके बाद स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें पूरे आपको स्टूडियो के कंट्रोल मिल जाएंगे, वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ है इसमें। और इस साइड देखेंगे तो MID के सामने के थोड़े बहुत कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इस साइड अपना ये इंडिकेटर वगैरह, ठीक है, और ये अपना वाइपर के कंट्रोल इस साइड। और अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे भाई बहुत प्यारा लगता है, फुली डिजिटल है। सबसे बेस्ट चीज़ उसके इंटीरियर में है ना, वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि बिल्कुल मतलब ये डिजिटल है। देखो RPM भी जैसे मैं कर रहा हूँ तो इससे ऐसे आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया लगता है देखने में ये। और ये देखो जैसे डोर ओपन है ना इस साइड का, तो वो पूरी वार्निंग वगैरह भी आती है इसमें, कि कुछ ऐसी आपको स्क्रीन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा हुआ है पूरा, आप देखो ये कितना बढ़िया लगता है कंसोल देखने में। ये मैनुअली एडजस्टेबल IRVMs मिलते हैं आपको, यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर मिलता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी ये पीले वाली लाइट्स, और अगर इसके मिरर्स यहाँ पे वो वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे कोई मिरर वगैरह नहीं है। और इस साइड देखें तो यहाँ पे एक मिरर मिलता है बट कोई भी लाइट नहीं है, ठीक है। और ग्लव बॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका, तो ग्लव बॉक्स इतना कुछ है, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ठीक है।
और अगर मैं इसके आपको ये दिखाऊं तो ये एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो मैनुअली मिलते हैं, ठीक है। ये मैनुअल ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे देखोगे 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी, और यहाँ पे कुछ रखने की जगह, सिक्स गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है। और इसका जो रिवर्स है ना वो कुछ ऐसे, इसको उठाओगे ना ऐसे और फिर ऐसे डलता है इसका रिवर्स, ठीक है। नॉर्मल गाड़ियों में जैसे इससे डलता है ना, तो इसमें सिक्स स्पीड है तो इसका ऐसे डलता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लब कप होल्डर और ये आर्मरेस्ट भी इसमें मिल जाती है, ठीक है। ऐसी कुछ आर्मरेस्ट है। पीछे का कुछ लुक देखोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखता है। अभी पीछे चलते हैं, फिर आपको पीछे का और दिखाऊंगा मैं। जो सीट है मैंने पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। स्पेसिंग की बात करें, बढ़िया है भाई स्पेसिंग गाड़ी में। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे एसी, मतलब यहाँ पे ब्लोअर मिल जाएगा आपको, नीचे एक यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग है, फोन वोन रख सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें सीटिंग की तो भाई सीटिंग बढ़िया है भाई, मतलब बिल्कुल अच्छा रिक्लाइन एंगल है तो बढ़िया, मतलब कंफर्टेबल सीट्स हैं। और अगर मैं दिखाऊं तो आपको कुछ इंटीरियर इसका ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटीरियर पीछे से देखने को मिलता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मुझे छोटा सा मतलब इसका रिव्यू शूट कर रिव्यू बताना था आपको i20 स्पोर्ट्स वेरियंट का, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।